सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मैं अंजू देवी गुटोला आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में एक शानदार ब्लॉग में। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत कर रही मैं खूबसूरत शहर मुंबई से और अपने प्यारे से रूम से। टाइम हो गया सुबह का 9 बज गया है, तो मेरा घर का सुबह का पूरा काम हो गया है, झाड़ू पोछे बर्तन पानी जो होता है सुबह का काम। आजकल थोड़ा लेट उठ रही हूँ, 6 बजे कभी 5:30 बजे, क्योंकि बच्चे सोते भी नहीं टाइम से, तबीयत ही बराबर नहीं है, आपको भी पता है। तो मैं 6 बजे आज भी 6 बजे उठी, 5 बजे उठ गई थी, अलार्म बज गया था, बंद किया मैंने, 10 मिनट बाद उठती फिर नींद पड़ गई, 6 बजे उठी। चलो आज सैटरडे भी है, बच्चों का हाफ डे है, तो रोटी टिफिन मेरे को बनाना नहीं था, पर इसको खाली नाश्ता बनाया, उसको स्कूल भेजा, तब अपना उठा काम किया, तब नहाई धोई। अभी तक मैंने कपड़े बाद में धोए, हमेशा की तरह 24 घंटे हमारे इधर मतलब बिल्डिंग पे पानी आता है 24 घंटे, लेकिन आज बिना मैसेज के मैसेज भी नहीं डाला है। अभी मैं 8:30 बजे कपड़े धोने गई, जैसे नहाने गई पानी बंद हो गया, गुस्सा तो इतना आ गया, लेकिन क्या करूँ, मैसेज नहीं तो पहले हमेशा मैसेज डाल देते कि पानी नहीं आएगा, कितना आएगा, क्या आएगा, नथिंग। 1 घंटा पानी दिया, शायद मैंने किचन का पानी भरा, बर्तन जो है गैस जो का झाड़ू पोछा सब हुए, तब तक पानी आ रहा था। मैंने हमेशा की थोड़ा थोड़ा लेट नहाती हूँ, क्योंकि मैं ठंडे पानी से ही नहाती हूँ, दिन के 4 से 5 बतेले पानी गर्म होता है, तो गैस कितना चलेगा, हमारा गैस कम से कम 18-19 दिन भी पूरा नहीं चलता है। तो मैंने वह चलो मैं ठंडे ही पानी से नहाती हूँ, थोड़ा लेट नहाएगी, तो 8:30 बजे गई, 8:30 बजे कोई लेट नहीं था, लेकिन तब तक देखो पानी चला गया। टंकी के पानी से अगर कपड़े धोती हूँ तो टंकी खाली हो जाएगी शाम तक, शाम को तो पानी आएगा नहीं। अभी 2 बाल्टी कपड़े भिगाने के लिए मैंने सुबह रखी, नहीं तो मैं रात को रखती हूँ कपड़े भिगाने के लिए, लेकिन मेरे पैरों में बहुत दर्द हो गया था रात को, तो मैंने नहीं रखा रात को, तो अभी मैं जब झाड़ू पोछा किया तब मैंने कपड़े भिगाने के लिए, तो मैंने बोला अभी कपड़े धोती हूँ मैं, पहले तब नहाती हूँ, तो पानी चला गया। तो अभी ड्रम भरा है, अभी पहले गुड़िया को बेच के आती हूँ, मैं रेडी हो गई, मेरा लुक देख के मालूम पड़ रहा होगा, तो मैं रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ गुड़िया को छोड़ने के लिए ट्यूशन, हमेशा की तरह पैदल जा रही हूँ, क्योंकि आज भी स्कूटी नहीं है, आज आ जाएंगे इसके पापा, क्योंकि स्कूटी नासिक गई है, तो देखते हैं 2-4 दिन रहेगी यहाँ फिर चलेगी रेगुलर, तो इस क्या करें। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, मौसम का हाल बोले तो दिन में बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते गर्मी पड़ना शुरू हो गया मुंबई में, मुंबई में वैसे ठंडी होती ही कम है, लेकिन थोड़ा जनवरी के महीने में सुबह और शाम को रात को थोड़ा ठंडी थी कुछ दिनों, लेकिन फिर से फरवरी जैसे लगा ना वैसे गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो बाहर तो धूप लगी होगी, हमारी बिल्डिंग पे तो धूप लगती नहीं, थोड़ा विटामिन डी लेते हैं बाहर, तो चलो आपको भी बाहर का मौसम दिखाते हैं, चलो आप भी हमारे साथ चलो। और वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे दोस्तों, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं देख रहे, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, जितना मेरे को बोलना आता है दिखा क्लिप दिखाती हूँ मैं, बाहर का भी अंदर घर का भी जो काम होता है वो दिखाती हूँ, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। आपको बाहर का चाहिए यानी कि घूमना फिरना, मैं घूमती फिरती नहीं हूँ, मैं घूमने के लिए तो आई नहीं हूँ, इधर भी मेरे को घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, आप बोले घूमने जाओ इधर जाओ उधर जाओ, कोई क्लासेस वाला, कोई कॉलेज वाला है, कोई स्कूल वाला है, किसी का टाइम सुबह का है, किसी का दोपहर का है, किसी का शाम का है, तो मैं कहाँ जाऊँ बच्चों को छोड़ के। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। सब्सक्राइब किया एक बढ़ रहा है और दूसरे दिन वही घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, क्या मालूम क्यों कर रहे हैं। अगर नहीं करना है सब्सक्राइब तो ना करो, नहीं देखना है तो मत देखो, लेकिन क्या है कि एक बार सब्सक्राइब कर रहे फिर डिससब्सक्राइब कर रहे, ऐसा क्यों। तो चलो गुस्सा नाराजगी कुछ नहीं है, चलो खुश रहो, खुश रहने की कुछ कोशिश करो, बोलते हैं ना थोड़ा सा एक फ़ोटो खिंचाने के लिए जब तुम स्माइल करते हैं खुश रहते हैं फोटो अच्छी आ जाती है, दिन भर खुश रहने से तो दिन निकल जाएगा आपका भी। क्लीन कर दिया है पूरा, अब जा रही मैं गुड़िया को अपनी सोसाइटी के बाहर, इधर भी अभी धूप नहीं लगी है, क्या हो गया समझ आ, अभी लेट हो गया गुड़िया के लिए, ये रोड क्रॉस करने देंगे हमको, तो भी हम रोड क्रॉस कर पाएंगे, हमको जाना है रिक्शा स्टैंड पे रिक्शा पकड़ने के लिए, लेकिन गाड़ी वाले इतने क्या बोले, कुछ बोल भी नहीं सकते कैमरे के आगे, नहीं जाने दे रहे हैं हमको, भी आसीदा भागना है। ए किधर आ रहा है इधर, नहीं नहीं तो
रोक नहीं रहे दोस्तों, देखो कैसे ये गाड़ी वाले निर्दयी है पूरे, हमको जाने नहीं दे रहे हैं। रोड क्रॉस करना तब इसको रिक्शे में लेके जाती हूँ, क्या करो फिर, स्कूटी तो अपने पास है नहीं, स्कूटी से बहुत भाड़ा हो गया। कार पहुँच गई, हम रिक्शे से आए हैं, बस पहुँचने वाले हैं ट्यूशन में। और गुड़िया की कल नंबर कम आई तो वो भी बोल रहा है मेरे को टीचर को, तो उसको डर लग रहा है, डर लगे या कुछ लगे, मैंने भी 13,500 रुपया भरा है पढ़ाई के नाम पर, कुछ नहीं, अभी बोलेगी टीचर को जा। हल्की सी धूप लगी है और मैं और गुड़िया जा रहे पैदल, पैदल तो क्या जाना, घर से यहाँ पे तक पीछे रिक्शा स्टैंड था, हम रिक्शा में आए सो तो अच्छा हुआ कि हमको रिक्शा मिल गया तुरंत। तो चलो ट्यूशन भी आ गई यहाँ पे, थोड़ा आज टीचर को भी मेरे को बोलना है क्योंकि मैंने 13,500 रुपया भरा है। मैंने बोल दिया, समझा दिया, तो आप देखते हैं कितनी अच्छी नंबर लेती है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई, दिन रात का इतना खर्चा बच्चों का कि पूछो नहीं, बहुत ज़्यादा खर्चा है। पढ़ने के नाम पर कुछ नहीं, मैं बच्चों से काम तो कुछ कराती भी नहीं, एक बर्तन भी नहीं उठाते वो खाने का, मम्मी ये ला वो ला, ये लेके जा वो लेके जा, मैं चलो इनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है लेकिन बच्चे समझते नहीं हैं। तो अभी मैंने टीचर को बोल दिया, तो देखते हैं आगे कैसा आता है रिजल्ट। चलो मिलते हैं घर पे, क्योंकि आगे से मेरे को दूध भी लेना, भाजी लेना है, आज तो पानी भी चला गया हमारे इधर से, क्या मालूम पानी भी ना अचानक से बंद हो गया है। लिए आ गई मैं घर में, भाजी भी लिया, दूध भी लिया, मेरे हाथ थक गए, हालत ख़राब हो गई क्योंकि बहुत भारी हो गया था, भाजी भी ज़्यादा थी, कांदा वंदा भी लेना था, दूध भी लेके आए, पैदल आ रही तब से ना ये तो गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा, दूसरा हाथ थैला बहुत भारी हो गया। तो चलो आ गई मैं घर पे, अब जाती हूँ मैं पहले कपड़े धोने के लिए, थकान लगी है बहुत ज़्यादा। दोपहर का बज गया 11, मैं आ गई फिर से अपने प्यारे से किचन में, अभी तक कपड़े धो रही थी, आज पानी अचानक चला गया तो इतना मुश्किल हो गया, जो ड्रम का पानी थे उससे मैंने 2 बाल्टी कपड़े धो दिए, अब 1 बाल्टी बाकी है, मैंने बोला थोड़ा ड्रम में पानी है वो दिन भर के लिए रहने देती हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरा दिन निकालना। अभी देखा नीचे तो चलो सड़कों का पानी आने बैठ गया, तो ये वॉचमैन ने बोला था अगर पानी आएगा तो शाम को पानी देंगे आधा घंटे, नहीं तो पानी तो आ गए। अब आ गई मैं प्यारे से किचन में, अब बनाती हूँ मैं नाश्ता भी बनाती हूँ, खाना भी देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ, तो बने रहे वीडियो में कंटिन्यू। इधर मैंने दाल रख दी है, चाय है, इधर दलिया बना रही हूँ और यहाँ पे मैं आटा भी दी हूँ। चलो रोटी बनाती हूँ, खुशी भी आ गई पर दोस्त भी आ गया है, पर आज मेरा दलिया नहीं बन रहा है, बदतर हो गई। मेरा नाश्ता मेथी की रोटी है, चटनी है, दलिया और चाय, तो चलो नाश्ता करते हैं। अरे ये दो बंदर देखो यहाँ पे नाश्ता करने दिया ना, यहाँ आराम से बैठे, देखो नाश्ता बनाया सबको दिया, बच्चों को भी, मैंने भी फटाफट नाश्ता कर दिया। गुड़िया के लिए आज भी लेट ही हो गया, 20 हो गया, मतलब 12:20 हो गया, इसको स्कूल जाना है और हम जाएंगे पैदल ही। तो चलो बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, चलो चलते हैं स्कूल में मिलते हैं। आखिरकार आ गई हम स्कूल में, 4 मिनट बाकी है, कितना भाग भाग है, चलो अभी जा रहे लोग भी आ गए, इतनी भीड़ हुई है। चलो आ गए हम, ज़्यादा धूप हो गई, एकदम खाना बनाया, खाना होना खाया जल्दी जल्दी और उसके बाद फिर इसको भेजने आए, क्योंकि गाड़ी भी नहीं थी जगदीश, तो अभी उठ रहा पर वैसे भी स्कूल से अभी गया, मेरे आँखें कैसे बंद हो रही है, धूप हो रही बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो छाँव है, मैं छाँव में बैठी हूँ, मैं थोड़ा 10-15 मिनट बैठ जाती हूँ, खाना मैंने खा लिया। इसके आ गई मैं घर में, पर वैसे का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, तो दाल गला के मैंने रखी है, भात बनाती हूँ, भाजी वूजी बनाती हूँ, आटा गूंद के भी मैंने रखा है, फिर वीडियो में बने रहे। अभी इतने बर्तन धोने के लिए बच्चों ने खाया हुआ तो बर्तन ऐसे रखे, मैंने सब अपनी अपनी प्लेट धो देते, इतना बर्तन भी नहीं हुए थे, उसको बोले बाकी के बर्तन मैंने धो के रखे उधर, ये जो इन्होंने खाया बाद में ये ऐसे पड़े हैं। तो चलो बने रहो वीडियो। खाना मेरा ऑलमोस्ट बन गया है, ये है राजमा, बहुत गर्म है, ये है पीली दाल, ये है भात और इधर बन रहा है मेरा भाजी, खा के मेरा हो गया है। और वीडियो को इधर एंड करती हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना,
मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में।